अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। Redmi Note 5 Pro, यह है Redmi का न्यू बेस्ट बजट स्मार्टफोन अंडर 20K। सो जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं Technify रिव्यू ऑफ Redmi Note 5 Pro। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फ़ोन कल ही आया मेरे पास। 18:9 स्क्रीन एंड बैक ब्यूटीफुल, किसी भी फ़ोन की कॉपी नहीं है और तो और बिल्कुल भी iPhone-ish नहीं है। तो फिज़िकल ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्रंट ग्लास एंड एल्यूमिनियम बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर की तरफ है सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड IR ब्लास्टर, जिससे TV, AC और भी कई सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। नीचे की तरफ 3.5 mm हेडफोन जैक है, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड माइक्रो USB पोर्ट और उसके साथ स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट साइड में है हाइब्रिड सिम ट्रे, राइट साइड में पावर बटन अलॉन्ग विथ वॉल्यूम रॉकर और पीछे की तरफ डुअल कैमरा विथ फ्लैश एंड फिंगरप्रिंट सेंसर और फ्रंट में 18:9 रेशियो फुल HD स्क्रीन। नाउ जस्ट टेक अ लुक ऑन स्पेसिफिकेशंस। फ़ोन में है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 636 ऑक्टाकोर चिपसेट, जो कि 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है एंड GPU एड्रेनो 509, 4 और 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज के साथ, प्लस 256 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 5.99 इंचेस IPS LCD डिस्प्ले 77.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ 18:9 है, पर बेजल्स काफ़ी विजिबल हैं। एंड्रॉयड 7.1.2 आउट ऑफ द बॉक्स विथ MIUI 9 स्किन एंड बैटरी ह्यूज 4000 mAh बैटरी है। वैसे तो स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ैन हूँ मैं, बट MIUI 9 में भी काफ़ी हैंडी फीचर्स हैं, जैसे कि वन हैंड यूजेस भी कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ टॉल स्क्रीन। गूगल असिस्टेंट स्प्लिट स्क्रीन वर्क्स ऑसम। आई वॉज मोर एक्साइटेड फॉर द पोर्ट्रेट मोड ऑन फ्रंट कैमरा बिकॉज 20 MP कैमरा है यार। ओप्पो वीवो की दुकान बंद करवाएगा क्या? ये रहे कुछ शॉट्स। कैमरा इज़ गुड। बैक में है 12+5 MP कैमरा पोर्ट्रेट मोड के साथ। ये रहा कैमरा का इंटरफेस, ज़्यादा कुछ नहीं है। फोटो, पोर्ट्रेट, ये रहे कुछ शॉट्स बैक कैमरा के। कैमरा डिसेंट है बट Honor 7X इज मच बेटर। कैमरा में EIS है जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी स्टेबल रहता है और नॉइज भी काफ़ी कम रहता है। फेस अनलॉक का भी सिस्टम है इस फ़ोन में, बट कोई 3D रिकॉग्निशन वाला इस टाइप का कोई फीचर नहीं आईफोन वाला, ये बस सॉफ्टवेयर बेस्ड है। स्पीकर भी डिसेंट है। सैडली USB टाइप सी नहीं है और ना ही फास्ट चार्जिंग, बट बैटरी बैकअप मस्त है, एक दिन से ज़्यादा चल जाता है। और रहा बात MIUI का, तो ब्लॉटवेयर हैं पर अनइंस्टॉलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट के भी काफ़ी ऐप्स हैं, जैसा कि 18:9 स्क्रीन है तो मीडिया कंजप्शन भी काफ़ी प्लेजेंट है। YouTube वीडियोज़ भी फुल स्क्रीन हो जाते हैं। गेमिंग के लिए ये फ़ोन बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। फ़ोन बहुत अच्छा है, लेटेस्ट प्रोसेसर, डुअल कैमरा, ऑलमोस्ट परफेक्ट फ़ोन है इस प्राइस में। मेरे पास है 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी प्राइस है 13,999 और 664 वेरिएंट की प्राइस है 16,999, जो कि बस फ्लैश सेल में मिलते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये था Redmi Note 5 Pro का रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और हाँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।